हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षवादी ब्लॉग्स। और आज नवरात्रि का आठवां दिन है और शाम का टाइम हो रहा है। मैं इस टाइम आठवें दिन का शाम का व्रत का खाना जो है वो रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आठवें दिन तो सभी का फास्ट होता है। मोस्टली लोग ना फर्स्ट वाले डे और लास्ट वाले डे यानी कि आठवें दिन ज़रूर फास्ट रखते हैं, बाकी बीच में नौ दिन का व्रत तो हर एक कोई नहीं रखता है। तो उनमें से मैं भी एक हूँ, मैंने भी नहीं रखा है। और आज आठवां दिन है तो मैं यहाँ पर व्रत का खाना प्रिपेयर कर रही हूँ। शाम का वक्त हो रहा है, संध्या आरती का वक्त हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो है व्रत का खाना रेडी हो रहा है। इस गैस पर, इस वाले चूल्हे पर तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू की व्रत वाली सब्ज़ी, जिसमें मैं सादा नमक का प्रयोग करने वाली हूँ। और दूसरी गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, उसमें भी ऑयल ना गर्म हो रहा है, तो उसके अंदर मुझे सेकनी है कुट्टू के आटे की पूरियाँ। तो मैंने इसलिए हल्की आँच करके और गैस पे अपनी कढ़ाई को रखा हुआ है, ताकि वो ऑयल जब तक मैं पूरियाँ सेकूँ तो अच्छे से गर्म हो जाए। और यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर जीरा डाला है, थोड़ा सा टमाटर डाले हैं, और इसके बाद मैंने डाल दिया है सेंधा नमक, और एक हरी मिर्च मैंने इसमें काट कर डाल दी है, क्योंकि हमें व्रत की सब्ज़ी बनानी है इसलिए हम व्रत की चीज़ों का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी हल्दी वगैरह का यूज़ नहीं किया है, और ये मैंने बॉइल्ड आलू हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये अच्छे से हमारी व्रत की सब्ज़ी बनकर रेडी होने वाली है, एकदम टेस्टी वाली। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर, आप चाहें अपनी इच्छा के अनुसार इसको रख सकते हैं, चाहे तो गाढ़ा रख सकते हैं, चाहे तो पतला रख सकते हैं, मुझे मीडियम ही रखना है। तो मैं इसमें पानी डाल दिया है मैंने, और व्रत वाला नमक मैंने इसमें ऐड किया था, सादा नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि व्रत की सब्ज़ी है और मेरी सब्ज़ी एक गैस पर बन रही है। और यहाँ पर मेरा ऑयल जो मैंने पूड़ियों के लिए रखा था वो भी लगभग गर्म हो चुका है, और मैं यहाँ पर कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ सेक रही हूँ। तो उनको तो हमें हाथ से ही बनाना होता है ना, बेलन से हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बेलन से यूज़ करेंगे तो वो बेकार जाती है। और यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है, तो नेक्स्ट डे पर हम तैयारी कर रहे हैं अपनी पूजा की, यानी कि रामनवमी का दिन है आज, सॉरी। तो हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं पूजा की, और ये मैंने ना पूजा के लिए पूड़ियाँ निकाली हैं, जिनको हम अठियावरी बोलते हैं, तो वो निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर। और आज उनको ना कंजके भी खिलानी है अपने घर पर, तो उसकी भी तैयारी मैं साथ के साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी कर दी है। और ना जब पूजा वगैरह का हम खाना बनाते हैं किसी भी तीज या त्यौहार पर, तो हमें अपनी सर पर कुछ भी कपड़ा ज़रूर लेना चाहिए, दुपट्टा आप रख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। हमें कभी सर खोल के ना पूजा का खाना नहीं बनाना चाहिए, हमेशा सर ढककर ही बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना सर भी ढका हुआ है, और मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ कंजकों के लिए, क्योंकि पूजा का खाना हम रेडी कर चुके हैं। और ये देखिए मेरी पूड़ियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं, बस वेट है अब कंजकों के आने का, जिनको हम न्योता भेज चुके हैं, और वो थोड़ी बहुत देर में आती ही होंगी, तो हम उनको खाना खिलाएंगे और अपनी रामनवमी का दिन पूरा करेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो खाना है आप देख सकते हो रेडी हो चुका है, सारा ही खाना लगभग तैयार है, बस कंजकों का वेट है। तो ये हमारी खीर बन चुकी है, और यहाँ पर हमारे चने भी रेडी हो चुके हैं, और इसमें रखी हुई है सब्ज़ी आलू की जो बनाई है हमने, और नीचे वाले बर्तन में भी यही सब्ज़ी है, ये एक्स्ट्रा थी इसलिए ऊपर रख दी। और यहाँ पर बन चुका है हमारा सूजी का हलवा, बहुत ही टेस्टी हलवा बना था,
तो यहाँ पे हमारी जो है कंजके भी आ चुकी हैं और इनको खाना परोसा जा चुका है। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है ना जब अपने घर में कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं, और ये कंजकों वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम खाना वगैरह इनको सब सर्व कर चुके हैं, बच्चे लगे हुए हैं खाने में। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, रामनवमी वाले दिन की ही बात है ये, और बोलने में ना कभी कभी जीभ थोड़ी सी हिचकिचा जाती है, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर शाम का टाइम है रामनवमी वाले दिन का, और बच्चों को छोटी छोटी भूख लगाई है, तो सारे दिन तो वो पूरियाँ वगैरह नहीं खा सकते, तो उनकी इच्छा थी मैगी खाने की, और यहाँ पर बन रही है मैगी। तो ये मैगी मैं आपको बता दूँ, बेशक दिखाई नहीं दे रहा है इस वीडियो में कि कौन बना रहा है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, झूठ बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मेरी बेटी मैगी बना रही है, अक्षु मैगी बना रही है, उसको बहुत पसंद है मैगी बनाना, और वो अपने हाथ से ही बनाकर खाना पसंद करती है। मुझे वो नहीं बनाने देती है, बोलती है मम्मी मैं ही बनाऊँगी मैगी, आप मत बनाओ। मुझे हालांकि डर लगता है, बच्ची है जल ना जाए, लेकिन वो है कि मानती नहीं है। तो वो यहाँ पर बना रही है मैगी और अपने लिए बना रही है, उसको टमाटर वगैरह भी पसंद नहीं है, तो उसने देखो एक भी टमाटर नहीं डाला है, जबकि ना फ्रिज में पता है एक टमाटर पड़ा हुआ था ऑलरेडी, और मैंने उससे बोला कि टमाटर डाल लेना, तो बोलती है कि मम्मी टमाटर है नहीं, ख़त्म हो चुके हैं। बाद में जब मैंने आज सुबह देखा तो फ्रिज में ऑलरेडी एक टमाटर रखा हुआ है अभी भी, लेकिन उसको डालना नहीं था तो उसने झूठ बोल दिया। चलो कोई नहीं, बच्चा है। तो यहाँ पर उसकी मैगी बनके रेडी हो चुकी है। तो इस तरह का था आज का मेरा कुछ दिन। आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय।